नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चले राजस्थान की आज की ताजा खबरें जानते हैं। और दोस्तों, राजस्थान समाचार पर नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चले प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जानते हैं। रीट परीक्षा को लेकर राजस्थान के इन जिलों में है नेट बंदी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में एक बार फिर से नेट बंद कर दिया गया है। राजस्थान में रीट परीक्षा को देखते हुए एक बार फिर से नेट बंदी हो रही है। जालौर में शनिवार सुबह से 36 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। जोधपुर संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में होने वाली बड़ी परीक्षाओं के पेपर आउट और नकल के मामले के तार किसी न किसी प्रकार से जालौर से जुड़ने के बाद जिला कलेक्टर ने नेट बंदी की सिफारिश की थी। SP हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया है कि जिले में रीट के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोधपुर संभागीय आयुक्त ने जालौर जिले में शनिवार सुबह 6 बजे से 24 जुलाई शाम 6 बजे तक नेट बंदी लागू रहेगी। इसी दौरान जिले में 2G 3G 4G मोबाइल सेवा के साथ ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट सहित सभी प्रकार की सेवाएं बंद रहेगी। जी दोस्तों, राजस्थान के एक जिले में नेटबंदी को लेकर अपडेट आ चुकी है। जैसे ही किसी दूसरे जिले के बारे में अपडेट आती है, मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में दौसा में 4 इंच बारिश देखने को मिली है। बारिश से एक एनीकट भी टूट गया है। अलवर में बारिश के बाद सिलीगढ़ झील का जलस्तर भी बढ़ गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3 दिन मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है। 23 जुलाई को बीकानेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर और टोंक जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 24 जुलाई को उदयपुर संभाग के सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और 25 जुलाई को जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। जयपुर में 2 दिन पुलिस नहीं काटेगी चालान। रीट को लेकर जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिन का विशेष प्लान बनाया है। इसके तहत शहर में भारी वाहनों के आने और जाने पर रोक लगाई गई है। शहर में भारी ट्रैफिक न आए इसके लिए ट्रैफिक को रिंग रोड की ओर डाइवर्ट किया गया है। जयपुर शहर में बस से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए 4 सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए गए हैं। चारों दिशाओं से आने वाले परीक्षार्थियों को यहां पर ही छोड़ा जाएगा, जिसके बाद इन बस स्टैंड से परीक्षार्थियों को आगे भेजा जाएगा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। पशुपालन के लिए 50 लाख का अनुदान दे रही है सरकार। शुरू हो गए हैं ऑनलाइन आवेदन। पशुपालन एक्टिविटी के लिए सरकार 50 लाख तक अनुदान देगी। पशुपालन विभाग की ओर से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय पशुधन मिशन में सार्थक भागीदारी के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म, मेनेना व शुक्र उत्पादन के अलावा 4 उद्यमिता प्लांट की स्थापित सहित अन्य पशुपालन गतिविधियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भिलवाड़ा जिले में 50 नए प्रोजेक्ट स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। जमीन से बादलों में जाता दिखा पानी। राजस्थान में मानसून के आकर्षक नजारे देखने को मिल रहे हैं। पूरे स्टेट में एक्टिव मानसून के कारण नदी नाले उफान पर है और सभी बड़े बांधों में पानी की आवक भी जारी है। इस बीच कोटा में नेचर का बेहद शानदार रूप देखने को मिला है। यहाँ बादलों से जमीन तक एक पाइक नुमा टोर्नेडो नजर आया है, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो जमीन से पानी बादलों की तरफ जा रहा हो। एक्सपर्ट ने इसे पैनल क्लाउड बताया है। अगर पैनल क्लाउड जमीन की सतह तक पहुंचता है तो ये टोर्नेडो का रूप लेता है, उसके बाद तबाही भी मचा सकता है। घटना गुरुवार 12:30 बजे की बताई जा रही है। नजारा देखकर लोगों में दहशत फैल गई है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। आज पृथ्वी से टकराएगा सूर्य तूफान। इस साल की शुरुआत से ही सूर्य पर विस्फोट होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को भी एक बड़ा धमाका हुआ जिस पर सूर्य में तूफानी आई थी। इसका असर शनिवार को पृथ्वी पर दिखाई दे सकता है। सूरज से निकलने वाली सोलर विड धरती की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकती हैं। यह जानकारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च कोलकाता ने दी है। सूर्य तूफान सूरज से निकलने वाला एक ऐसा रेडिएशन है जो सौर मंडल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह धरती पर मैग्नेटिक फील्ड पर असर करने वाली आपदा है। इससे धरती के आसपास के वातावरण पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।